നടക്കുന്നു ആത്മവിശ്വാസമാണ് അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഒമർ അബ്ദുള്ള ആയിരിക്കും എന്ന രീതിയിലാണല്ലോ പൊതുവേ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒമർ അബ്ദുള്ളയുടെ പ്രതികരണം കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ जीत की उम्मीद है बाकी अल्लाह ताला तक है और जो जम्मू कश्मीर के वोटरों ने फैसला किया है आज दोपहर तक सारा पता चल जाएगा। कितनी उम्मीद रखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंसी होगी? एक ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा हमारे हुकुमरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें वही है। कोलिशन पर कितनी कॉन्फिडेंस है, एक वजन है जो कोलिशन हुई है? अब कोलिशन तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। തികച്ചും ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒമർ അബ്ദുള്ള സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി ജനവിധി മാനിക്കണം ഇല്ലേ, മറ്റുള്ള ഒരു കരുനീക്കങ്ങളും നടത്തരുത് എന്നാണ് ഒമർ അബ്ദുള്ള പറയുന്നത്. പക്ഷേ ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ തന്നെ കരുനീക്കങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഭരണം പിടിക്കാൻ.